क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा गया है। इफ ईच हैज कैपेसिटेंस सी, सबका कैपेसिटेंस जब सी हो, यानी कि सबका सेम कैपेसिटेंस दिया गया है। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर हम लोगों को ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो इसमें देखो, यहाँ नीचे जो दो लगे हुए हैं, ये कैपेसिटेंस और ए कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में हैं, और ऊपर जो लगे हुए हैं एक कैपेसिटेंस और यह कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का होता है, सी इक्विवेलेंट सीरीज में होता है सी वन इंटू सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। तो यहाँ पर रख लो, दोनों जो कैपेसिटेंस दोनों हैं, दोनों सी सी ही हैं। तो यहाँ पर रखो सी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टू सी स्क्वायर कट जाएगा एक सी से, तो यहाँ आ जाएगा सी बाई टू। तो एक का सी इक्विवेलेंट आ गया, हम लोगों का सी इक्विवेलेंट आ गया सी बाई टू, ऊपर वाला भी सी बाई टू हो जाएगा, इन दोनों का मिलाकर सी बाई टू आ गया कैपेसिटेंस। इसी प्रकार से नीचे वाले का भी निकाला जाएगा, तो इसका भी सी बाई टू ही आ जाएगा क्योंकि सेम ही है। तो इसको एक बन जाएगा कुछ इस प्रकार से कि जो ये है यहाँ पर, और ये वाला कैपेसिटेंस जो बीच वाला था, ये और बी, और ऊपर हो जाएगा एक कैपेसिटेंस बचेगा जिसका सी बाई टू हो जाएगा कैपेसिटेंस, दोनों का सीरीज में था इसलिए जोड़ा गया। और नीचे भी उसी प्रकार से एक कैपेसिटेंस बचेगा जो जिसका भी कैपेसिटेंस सी बाई टू हो जाएगा, और बीच वाले का सी कैपेसिटेंस था। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यह बनकर आया हम लोगों के पास सीरीज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तीनों देखो, यह कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस और एक कैपेसिटेंस, तीनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तीनों का। पैरेलल में सी इक्विवेलेंट होता है कैपेसिटेंस में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होता है, तीनों सीधे जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जोड़ लो सीधे, सी वन क्या है सी बाई टू, एक सी टू बीच वाला सी और लास्ट वाला सी बाई टू। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा नीचे टू आ जाएगा, ऊपर सी प्लस टू सी, यहाँ से आ जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा सी सी थ्री सी एंड फोर सी, फोर सी डिवाइडेड टू, टू टू से कट जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2c। इस प्रकार से सॉल्व करना था हम लोगों को, 2c आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें मैच करेगा, सही हो जाएगा 2c। इस प्रकार से सॉल्व करना था।